गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल जी। तो आज है दिन गुरुवार और इंदौर का तो मौसम अजीब सा ही हो गया। पता नहीं कहाँ कहाँ का है ऐसा, गर्मी इतनी ज़्यादा है और भयंकर की उमस भी बहुत साथ में ज़्यादा है। गर्मी से तो बुरा हाल है, कूलर पंखा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आज तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, पर अभी गई बाहर नीचे वॉक करने, अचानक से बारिश होने लगी। बिन मौसम बरसात का सिलसिला ये इस साल गजब का हो रहा है। तो धूप के साथ बारिश हो रही थी, फिर भी मैं वॉक कर रही थी। मुझे मालूम है कि ये बस ऐसी ही बारिश है, इतनी भयंकर कुछ भी नहीं होने वाला कि भीग जाए इंसान। तो बस अभी वॉक कंप्लीट करके आई और भयंकर का पसीना निकला है। तो वर्कआउट तो जम के कर ही रही हूँ। और बेटे को हो गया है कोल्ड मौसम चेंज होने के कारण, और ये अभी उठी हैं तो ब्रश कर रही हैं। तो चलते हैं किचन में, इन लोगों को कुछ बना के देना है, नाश्ता वगैरह बनाते हैं और साथ में एक रेसिपी शेयर भी करनी है आप लोगों के साथ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, रेसिपी का नाम बताती हूँ। सुबह सुबह खाऊंगी मैं मोमोज, मोमो खाने का मन है और बहुत ही हेल्दी वर्जन है ये। आप सोचेंगी ये कैसे खाएगी, तो मैं चलिए बताते हैं कि कैसे बनेगा ये। और बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई ताम झाम नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाला है। और ये सब चीज़ें सबके घर में अवेलेबल होती हैं, और सुबह खाओ, शाम खाओ, दिन रात खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब मस्त अच्छे से दबा के खाओ। तो यहाँ पे ली है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी का ये वाला हिस्सा हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। इसके बाद बाकी चीज़ों का यूज़ करेंगे, इसमें स्टफिंग डालना है। तो पहले तो इसे ना गर्म पानी में उबाल लेंगे, 5 मिनट के लिए ज़्यादा भी नहीं उबालेंगे। बड़ा पत्ता गोभी लो तो उसका और भी बढ़िया बनके तैयार होगा। इसमें फ़र्क ये बस पड़ेगा कि आपको स्टफिंग ज़्यादा डालने को मौका मिलेगा, और इसमें छोटा ही ये थोड़ा, तो इसमें थोड़े कम ही जाएगा, बट बनेगा बहुत बढ़िया और इसकी स्टफिंग भी बहुत शानदार वाली बनाएंगे। लो कैलोरीज का बढ़िया सा मोमो, बस पत्तों को सावधानी से कट करें इस तरह से, जितने भी बनाने हैं हम निकाल लेंगे। मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है, और इसे गरम कर लेंगे बढ़िया से। इसमें हल्का सा उबाल आने लगेगा तब इन पत्तों को डालना स्टार्ट करेंगे। तो पानी में उबाल आने वाला है, इसे डाल देते हैं पत्तों को, ताकि इसे अच्छे से फोल्ड करते बने। थोड़े से इसमें पक जाने के बाद आराम से इसको फोल्ड किया जा सकता है, जैसे चाहो वैसे फोल्ड कर लो। तो ये अच्छे से उबल गया है, इसे छान लेते हैं ताकि इसका पानी पूरा हट जाए, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं पकने के बाद। दे दो। तो अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ले ली है पनीर, और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इसकी स्टफिंग आप पनीर के अलावा अगर आपके पास ना हो तो सोयाबीन बड़ी होना, सोयाबीन बड़ी का थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में भिगोने के बाद उसे थोड़ा सा क्रश कर लें, उसके बाद स्टफिंग तैयार करें तो उसकी, और हल्की सी उसकी भुनाई कर लें फिर भी बन जाएगा, कभी वैसा भी बनाएंगे। इसे कट कर लेते हैं। तो पनीर यहाँ कट कर लिया है, और इसे एक बाउल में डाल देते हैं।
और थोड़ी बारीक बारीक प्याज कट कर लेंगे। और यहाँ पर पत्ता गोभी भी थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो शिमला मिर्च भी डाल दूंगी, तो एक ही शिमला मिर्च बनी बची थी मेरे पास यहाँ पर, इसे भी डाल देंगे। और आप चाहो तो मैनुअल चॉपर जो आता है उससे भी चॉप करके डाल सकते हो सारी चीज़ों को। और यहाँ बेटा बड़ा ही क्वेश्चन कर रहा था, ये क्या है ये क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर भी देना बनता है, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ जानने की इच्छा होती है कि ये क्या क्या है। अभी अगर उनको चीज़ों को बताया जाए तो वो जल्दी से सीख भी जाते हैं। तो सारी सब्जियों के नाम पूछता रहेगा वो, किचन में उसका हमेशा का यही काम है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता ही रहेगा। तो बस सारी सब्जियों को पनीर में डाल दिया है, और एक मैंने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया था इसमें, और साथ में इसमें डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो नॉर्मल अदरक लहसुन को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं, मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था तो वो डाल दिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सॉसेस का यूज़ किया है, तो यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस यूज़ की है मैंने, और साथ में सोया सॉस यूज़ किया है, और जो नॉर्मल सॉस आता है टमाटो केचप वो यूज़ किया है। इन सब को अच्छे से मिला लेंगे, और साथ में मैं इसमें डालूँगी एक ओरिगैनो, ये मेरे पास था इसलिए मैंने डाला, बिल्कुल ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर ये सब चीज़ें डालें तो। बस इन सब को अच्छे से मिला लेंगे, बढ़िया से पूरा मिलाने के बाद, और ये फटाफट से बनके तैयार हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने के लिए। तो बस अब पत्ता गोभी लूँगी और ये सारी चीज़ें स्टफ़ करके इसमें डाल देंगे। और हाँ, इसको फोल्ड करते समय थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कुक कर दिया था, मेरी जो गलती हुई है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बच्चों को सुबह तैयार करने के चक्कर में क्या दोनों को सुबह नहला ही देती हूँ, तो बस ये चढ़ा करके चली गई थी, थोड़ा ओवर कुक हो गया था, बट मेरा बना तो बहुत अच्छा था, खाने में बड़ा ही टेस्टी था। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखना, फटाफट से बन जाता है। और आपके घर में मेहमान आ रहे हो और वो थोड़ा सा ना ऑयल, कम ऑयल का खाना खाना पसंद कर रहे हो, तो आप एक हेल्दी ऑप्शन रख सकते हैं। बस इसे किनारे किनारे से फोल्ड कर दिया ताकि ये निकले ना, और बस इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो ये थोड़े छोटे मेरे पास छोटा सा पत्ता था मेरे पास पत्ता गोभी का, इसलिए छोटे छोटे पत्ते हैं इसके। आप चाहो तो बड़ी पत्ता गोभी से बनाना, उससे और अच्छा बनेगा। और बस सबको अच्छे से फोल्ड करके इसे यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया, हल्का सा उसमें ऑयल ग्रीस कर देंगे और इसे ऊपर नीचे करके दोनों तरफ अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा अच्छे से भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो पका हुआ है पत्ता गोभी, बस एक बार अच्छे से एक कलर आने तक, ब्राउन ब्राउन सी चित्तियाँ आ जाएंगी तब तक पका लेना है। और ये बहुत ही शानदार बनके तैयार होते हैं, आप चाहो तो उसे हरी चटनी के साथ, चाहो तो ऐसे खा सकते हो। मेरा हेल्दी एंड खाने में बड़ा ही टेस्टी वाला मोमो बनके तैयार है। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा करके खाऊंगी। तो देखा ना, बन गया ना हेल्दी सा बढ़िया सा मोमो। तो आप भी इस तरह से बना के खाइए, और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और भरपेट खाइए मोमोस। और थोड़ा मैं खा के देखती हूँ इसे, आपको भी खाना है। और इसमें मैंने नमक का यूज़ नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था उसमें भी नमक था, जितने भी सॉसेज यूज़ किए उसमें भी नमक था, तो एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं, इसी से बहुत ज़्यादा नमक नमक सा हो जाता है। और ये सहजन फल के डंडे से मुझे मार रहा है। आ, 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 आ,
आप चाहो तो ऐसे खा लो या तो किसी सॉसेस वगैरह के साथ खाओ। तो आज मैं ये छोटी सी रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ, कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ। फिलहाल तो घर का बस नॉर्मल रूटीन का काम ही करना है। ये एक मेरे पास रेसिपी है, बहुत सारी रेसिपीज आगे आके शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये बढ़िया सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को बनाएं, खाएं और बताएं मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी, है ना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपीज नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।